अब राम जी मौन, और राम जी यह सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना हो तो यह नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले, आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार, चलो हमरा घरे रह, चलवा कि न किछु कह, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ी अकड़। नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ बिल्कुल नहीं, मर्जी बा तुहार, किछु नहीं बा दबुआ रुआ, आपकी मर्जी, हमारा कोई दबाव तो है नहीं, मर्जी बा तुहार, किछु नहीं बा दबुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ, हम बनवासी कोल भील के बटुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ। तुलसीदास जी कहते, ये कोल भीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्ण कुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु, भय सब साधु, किरात किरात राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भाई। भगवान चित्रकूट में ठहर गए, कहे वो राम बन गव सुहावा, अवध जीनी आवा, नाम सुहावत सुहावत बन गवन सुहावा। अब सुमंत जी का वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी, निखाद राज प्रभु को पहुंचा कर लौटे, जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा और घोड़े देख दखिन दिसी, हाय है ही है ना ही, जिमि बिनु पंख विहग, बस दक्षिण दिशा की ओर देखते, नहीं जल पिए ही न चरही तृण लोचन मोचत बाशा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम या कहे श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण, कोई नाम ही ले दे, जो कहे राम लखन वैदेही, तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेत हे रहे,
अच्छा इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे तो प्रजा मातु पितु जीवन कैसे। निखादराज समझाते हैं सुमंत जी को किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत सास। पैठत नगर सचिव सकुचाई है जनु मारिस गुरु ब्राह्मण गाय। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को और दशरथ जी को जीवन जासु राम आदि उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए ऐसा अनुमान मन में किया और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश की न अंधियारे पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद किसे आवे जिन जिन समाचार सुन पाए भूप द्वार रथ देखन आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे लेकिन जब देखा तो रथ पहचान ये वही रथ है। हाँ रथ तो वही है तो राम जी आ गए होंगे हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए तुमने कैसे जाना का घोड़ों की दशा तो देखो विकल लख घोड़े गरही गात गिने आत पहोरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा आगे सुमंत राम लक्ष्मण जानकी आगे। अच्छा ठहरा दिया होगा उन्हें विश्राम करने का सवेरे मिलेंगे मुझे था कि वे लौट कर आए। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते मौन है मंत्रीवर क्या बात है। महाराज राम सखा तब नाव मंगाई प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई लखन बाण धन धरे बनाई। अब ये मंत्री को तो महाराज ये सोचे कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ नाव आ गई और राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा और फिर लखन कहे कजु वचन कठोरा। यद्यपि भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो क्यों लखन कहे कजु वचन कठोरा पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। बरज राम राम जी ने रोका और फिर मेरे हाथ जोड़े पुनि मोही निहोरा और बार बार निज शपथ दिवाई कहव न तात लखन मेरिकाई कि लक्ष्मण का लड़कपन है ये मत कहना। देखा राम कितने महान है लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता न करो जल्दी आएंगे थोड़ा धीरज रख यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा राम तो मुझे चाहते हैं लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा। अरे महाराज जाने दीजिए राम जी ने शपथ दिलाई है लड़कपन। अच्छा तुम मुझे गाली दी होगी अपशब्द कहे होंगे और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ हाँ बात ये तो हमारे लिए अपशब्द कहे। हाँ महाराज कहे तो अब हम क्यों कहें लेकिन कहे। अच्छा कहे सुमंत लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया। अब मेरा राम वन में 14 वर्ष भी रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण
अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूं राम की सेवा में लक्ष्य। लेकिन सुमंत वे यहां तक नहीं आ सके तो मुझे वहां ले चलो। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोही पहुंचा नाही तो चाहत चलन अब प्राण काऊं सती भाव। राम 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 क्या मैं राम के बिना रह सकता। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते जानकी लखन रघुवर हापितु हित चित चातक जल ला 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 राम राम राम। कौशल्या मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है, तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिख जीवन आसा। धन्य है महाराज दशरथ, जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करि मरण संवार। राम कौशल्या माता समझा नहीं है, करण धार तुम अवध धीरज धरिय तो पाइये पारू ना ही तो मूढ़िए सब परिवार। लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद विछुरत दीन दया प्रिय तनु तृण एव परिहरे। यह महाराज जियन मरण फल दशरथ पावा। अयोध्या में अंधेरा हो गया, सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयो आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे, ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे वो भरत सन जाई, गुर बुलाए पठाए तो भाई, अनरथ अवध आरंभे जबते कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते, देखई रात भयानक सपना जाग करई कटुकोटि कल्पना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। धावन पहुंचे आए
गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। नागत सरित शैल बन बांके श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ, ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया, उसे पहुंचते। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है पर अयोध्या वैसी नहीं है, धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है, भूमि से नभलो न धूम है हवन के कहूं, गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं, न विप्रन के ठाट हैं, सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं, ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले, और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले, और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवही जुहा नहीं जाए, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकहीं भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वही महाराज दशरथ, तो वहीं श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहीं। तो दूसरे का भाई हो सकता है, इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है, पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए, कान मूंद कर और रद गई जीहा, दांतों से जिह्वा दबाते हैं, एक कहीं यह बात अलीहा, यह असत्य है असत्य है असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब माता कैकेयी को पता लगा कि पुत्र आया है तो सज आरती मुदित उठे धाई, जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाह में हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजा कर जाए। परिछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी, जिसने इस दुनिया से मोह बढ़ाकर, बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आशा तजो, सुख के आस तजोड़, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, कई बार है ठोकर खाई, सुख के आस तजोड़, दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते,
दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो होता, कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख के आस तजो जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मन मोहन का बना कर राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो। ये संबंध सजी आरती मुदित उठ धाई, पति का शव तेल के कड़ाह में, बेटे की आरती द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन ले आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते, मां पिताजी कहां है, कहो कहां तात, कहां सब माता, पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं, और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं। कहकर जी बोली, बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं, बात यह है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली, तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को काज, तो किससे बिगड़ा, आपसे कि मंथरा से, ना हमसे ना मंथरा से, कछु को काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, बनाया हमने बिगाड़ा ब्रह्मा जी, भूपति स्वरूपति पूर्व पग उद्भाज गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया, भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ। समझाने लगी, बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई, भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जी थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए, राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं, लेकिन इस समय तो सुन सुट सहमे राजकुमार, राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया, पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली